दीक्षांत समारोह में जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। स्वनाम धन्य और सशक्त, मुझे इस बात की अत्यंत खुशी भी है और गर्व भी है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबसे सशक्त वित्त मंत्री के रूप में आप अपनी भूमिका निभा रही श्रीमती सीता निर्मला रमण जी का मैं स्वागत करता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पे अभिनंदन करता हूं, आप सभी उम्मीद करता हूं जोरदार ताली बजा करके हमारी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें जिनके नेतृत्व में भारत निरंतर आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करते हुए एक बड़े मुकाम पे पहुंचा है। इस अवसर पर अभी अभी जिनने संबोधित किया मेरे मित्र यहाँ के लोकप्रिय सांसद पूर्व महापौर श्रीमान आलोक शर्मा जी, आईसर के डायरेक्टर श्री गोवर्धन दास जी, संस्थान के सभी शैक्षणिक अधिष्ठाता, माननीय कुल सचिव, शासक मंडल के माननीय सदस्यगण, विभाग अध्यक्षगण, अधिष्ठातागण, आईसर के आज के इस दीक्षांत समारोह में आकर मन आनंद और उत्साह से भरा है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। 11वें दीक्षांत समारोह ये अंक इतना सुंदर है, 11 अंक हमारी अपनी परंपराओं में से समझदारी, संवेदनशीलता, ज्ञान और धर्म कर्म ऐसे कई कारणों से इसको अलग प्रकार से जानते हैं, लेकिन आज इसका हमारे लिए और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है जब देश की यशस्वी सबसे सफल शिक्षा मंत्री के वित्त मंत्री के रूप में हमारे बीच निर्मला जी पधारी। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, संस्थान को बधाई देता हूं। खास करके इस नाते से भी मुझे बताया गया कि 442 विद्यार्थियों को आज डिग्री मिल रही है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने एक अहम पड़ाव पार किया है। डिग्री केवल कागज का टुकड़ा नहीं, ये आपकी प्रतिभाओं के ऊपर मिलने वाला एक बहुत बड़ा सम्मान है जिसके नाते से समाज में आप अब आज के बाद आपकी एक विशेष पहचान बनेगी। साथियों, विज्ञान संस्थान का और अनुसंधान संस्थान का महत्व भारत के परिप्रेक्ष्य में तो कई गुना ज्यादा है। हम सब जानते हैं कि धन में धन विद्या धन, ये सर्व धन प्रधानम अर्थात सबसे बड़ा धन हमारे अपने 10 धन लक्षणों में माना गया है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा धन विद्या धन के नाते से माना गया है। और उसमें भी खास करके आज के इस संस्थान में जो बात अनुसंधान के साथ विज्ञान की जोड़ी गई है और उसी का महत्व भी, काल के प्रवाह में भारत ने जब जब अपने इस मुकाम को हासिल किया तो भारत बहुत आगे बढ़ा है। इसलिए हजारों साल से जब कभी किसी भी आक्रांता ने भारत पे आकर के आक्रमण करना चाहा, भारत को नष्ट भ्रष्ट करने की कल्पना की, तो उनने सबसे पहले हमारे शैक्षणिक संस्थानों में आग लगाने का काम किया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमजीत शिला, हजारों साल से हमारे अपने जिस कारण से भारत की दुनिया में पहचान है और भारत की अपनी इच्छा भी है, एक शब्द बोलते हैं हम, भारत विश्वगुरु बनना चाहता है। तो विश्वगुरु का अर्थ क्या है? विश्वगुरु अर्थ इतना ही है कि अपने ज्ञान परंपरा से दुनिया में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का एक संकल्प, पवित्र संकल्प हम धारण करना चाहते। हम किसी को दबाना नहीं चाहते, किसी को लूटना नहीं चाहते, किसी से छीनना भी नहीं चाहते, लेकिन मानवोचित गुणों के आधार पर, हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर दुनिया के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामाया, इस उदात्त विचार को स्थापित करने के लिए हम जानते हैं। और काल के प्रवाह के कई उदाहरण आज भी है। अनुसंधान में यद्यपि बहुत बड़ी बड़ी आज हम मुकाम पे पहुंचे हैं, लेकिन हम उन उदाहरणों को याद करें जिसके आधार पर भारत की पहचान है। अगर हम अभी काल के प्रवाह में 300 साल का इतिहास देखें तो हम सब जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के पहले कपास, खाद्यान्न, मसालों के माध्यम से दुनिया में भारत की विशेष पहचान थी और तब के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। हमारे लिए, हमारे देश पे कब्जा करने वाले लोगों के लिए लालायित करने का इनका बड़ा योगदान रहता था। कहने के लिए वास्को डिगामा कैसे आया हम सब जानते हैं, लेकिन जानने वाले ये भी बताते कि मसाले का जहाज का पीछा करते करते वो यहाँ आया। लेकिन इसके अलावा भी हम सब जानते हैं कि 18वीं शताब्दी हम सब के लिए, अगर इन कपास, मसालों और इसके कारण से जानी जाती थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में पेट्रोल ने जो अपना मुकाम हासिल किया है, जिसके कारण से बदलते दौर में दुनिया के अंदर एक नया प्रकार का करवट लेता हुआ समाज दिखाई दिया।
लेकिन आज मैं गारंटी दे सकता हूं 21 शताब्दी में नॉलेज के माध्यम से जो भूमिका पेट्रोल की थी आधुनिक समय में वही भूमिका नॉलेज की होने वाली है। इसी आधार पर अब दुनिया हमारी तरफ भी देख रही है और बदलते दौर में खास करके हम सब जानते हैं कि आज का समय डाटा और सूचनाओं के संकलन के आधार पर है। एनालिटिक्स का जिस प्रकार का समय आया अब हमको उसी तरह से बढ़ने की जरूरत है और उसमें हमारे लिए आपके जैसे संस्थान की बहुत महती भूमिका है, बड़ी भूमिका है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, लेकिन ऐसे जैसे मैंने कहा है कि हमारे यहाँ आज भी आइंस्टीन ने कहा है कि गति में गति प्रकाश की गति सबसे तेज होती है, ये हम जानते हैं, लेकिन काल के प्रवाह में एक उदाहरण है रामायण काल के अंदर झांकने वाले एक ऐसे ऋषि का काकभुसुंडी जी, जिनके लिए कहा जाता है कि काकभुसुंडी जी की गति कितनी तेज थी। हम ये मानते हैं कि उनके पास ऐसा माना जाता है कि उनका अपनी गति इस प्रकार की थी कि भूतकाल की और वर्तमान काल की और इतिहास का भविष्य काल की तीनों गति में उनकी समान रूप से दक्षता थी। यही कारण है कि वो एक बार नहीं दो बार नहीं श्री राम के भक्त थे तो 11 बार वो रामायण काल में बार बार प्रवेश करते, जिसको आज के समय में ऐसा मान सकते हैं कि किसी पिक्चर को आपको बार बार देखने की इच्छा हो, हमारे पास तो आज प्रोजेक्टर में पिक्चर लगा के देख सकते हैं, लेकिन उस गति के आधार पर वो उस काल में प्रवेश करके उन जीवंत घटनाओं को देखते हैं जिसके बाद में उनकी अपनी एक अलग पहचान बनी। ऐसे कई रहस्य जिन रहस्यों पे आज भी हमको प्रकाश डालना है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज के इस अवसर पर जब हम जहां मध्य प्रदेश में अगर ये संस्थान के माध्यम से दीक्षांत समारोह को संपन्न कर रहे हैं तो ज्ञान विज्ञान की इस धरती पर मध्य प्रदेश पुनः अपने उस गौरवशाली स्थान को हासिल करने के लिए देश के लक्ष्य के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। इंदौर स्थित IIT IIM राष्ट्रीय रैंकिंग में हर वर्ष शीर्ष स्थान पे है। ग्वालियर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, तो जबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, भोपाल में आपका संस्थान आईसर तो है ही, अब भोपाल में ट्रिपल IIT भी खुल चुका है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां तीन ट्रिपल IIT है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है भोपाल में IIFM देश का सर्वश्रेष्ठ वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान और एम्स है, भोपाल में राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का विशाल परिसर स्थापित हो रहा है, भोपाल में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ग्वालियर के माधव इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस में देश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है, प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित कई विश्वविद्यालय उच्च शैक्षणिक संस्थान स्थापित है जिनमें लगातार उनकी अपनी एक अलग पहचान पूरे देश और दुनिया में बन रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी लगातार बढ़ते हुए सिम्बायसिस, अजीज प्रेम जी, MET, IIM इत्यादि संस्थानों का कैंपस हमारे यहाँ संचालित हो रहा है। प्रदेश में युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए प्रदेश में 6 ग्लोबल स्किल पार्क की हम स्थापना कर रहे हैं। ऐसी कई सारी चीजों के साथ साथ जो हमारे प्लेन डिग्री कोर्स है, इन प्लेन डिग्री कोर्स में भी 55 जिलों में PM एक्सीलेंस कॉलेज की हमने स्थापना की है। बच्चों में विज्ञान में रुचि जगाने के लिए IIT गांधीनगर के साथ मिलकर विज्ञान के लोकव्यापीकरण के नवीन कार्यक्रम का भी हमने शुभारंभ किया है। IIT के इंदौर के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में एक सेटेलाइट कैंपस की भी हमने स्थापना की है। ऐसे बहुत सारे कामों को कर रहे हैं, लेकिन आज के इस दीक्षांत समारोह में हम सब जानते हैं काल के प्रवाह में एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। इस देश ने देशभक्ति की मिसाल तो बहुत बड़ी बड़ी कायम की है, लेकिन अनुसंधान के क्षेत्र में पिछड़ने के कारण से चाहे पोरुष का युद्ध का काल हो या आज से लगभग 350 साल पहले रानी दुर्गावती का वीरांगना गोंडवाना की रानी, जिसने अपने युद्ध में 50 युद्ध अपनी सफलता के साथ जीते, लेकिन आखिरी युद्ध में मुगल काल में पहली बार तोपों का प्रदर्शन हुआ और तोपों के सामने मुगल की सेना भारी पड़ी और अंततः हमारी रानी को अपने खुद के खंजर से अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश के अंदर अपनी यद्यपि वीरगति की तो बड़ी मिसाल कायम की है, लेकिन अनुसंधान के क्षेत्र में पिछड़ने की देश कैसी कीमत चुकाता है ये उदाहरण हम सबके सामने है। आज के इस देश में आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
जिस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है और सभी क्षेत्रों में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, मैं एक बार फिर उम्मीद करता हूं कि अनुसंधान के इन सारे क्षेत्रों को बढ़ा करके हम दुनिया में अपना मूल मुकाम हासिल करेंगे। मेरी अपनी ओर से दीक्षांत समारोह में एक बार फिर आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, we thank you for taking the time to address us. I now request our distinguished guest, Shri Alok Sharma ji, guest of honor Dr. Mohan Yadav ji, and the chief guest, Srimati Nirmala Sitaraman ji, to present the medals. और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भोपाल से हैं, IISER का 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि केंद्रीय निर्मला सीतारमन मंच पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने अभी हाल ही में सभी को संबोधित किया है, और इस समारोह में शामिल होने के लिए और भी दिग्गज मौके पर पहुंचे हैं। और आप ये देखिए जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। 11वां दीक्षांत समारोह है और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण मौके पर मौजूद हैं। डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल फॉर द ईयर 2024 फॉर ऑलराउंड परफॉर्मेंस एंड लीडरशिप। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटी बैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। धमतरी गरियाबंद बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़, जवाबी हमले के बाद भागे नक्सली, मौके से नकदी और बारूद बरामद। रायपुर में शराब की दुकान पर युवक को मारा चाकू, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिलासपुर में भी आदतन बदमाश पर चाकू से हमला। मुरैना में फूटा तालाब, किसानों की फसल बर्बाद, कलेक्टर ने लिया मौके का जायजा। डेंगू ने पकड़ी रफ्तार, इंदौर में अब तक 212 मरीज शिकार हुए, ग्वालियर में मिले 2 नए मरीज। छतरपुर में जमीन विवाद पर दो पक्षों में भिड़ंत, जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस तक पहुंचा मामला। शहडोल में खस्ताहाल सड़क पर विरोध प्रदर्शन, सड़क पर रोपा धान, सालों से है ग्रामीण परेशान। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में देशभर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी, एमपी छत्तीसगढ़ में भी विरोध। IMA ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर मिलने का मांगा वक्त। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज, भोपाल के वोट क्लब में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लहराया तिरंगा, तिरंगे के रंग में रंगा बड़ा तालाब। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटी बैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। और एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं भोपाल, जहां पर सीधी तस्वीरें IISER का 11वां दीक्षांत समारोह है, और इसमें आप देखिए कि मंच पर जो गेस्ट हैं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद हैं, और यहां पर जिन छात्रों ने बहुत अच्छे अंक पाए हैं, बढ़िया उपलब्धि हासिल की है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर भोपाल से, जहां पर हाल ही में अभी मुख्यमंत्री ने सभी को संबोधित किया है, IISER का 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। Now, sir, I present the following candidates who have been declared winners of the Proficiency Medal for the year 2024 for the best academic performance in the graduating class of the Bachelor of Science program in their respective disciplines. Mohit Mohandas from the Department of Data Science and Engineering. तो देखिए इस दौरान तकरीबन 442 शोधार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जा रही हैं, और आज या 11वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं, जो कि
विद्यार्थियों को डिग्रियां दे रही हैं। प्रोफिशिएंसी मेडल फॉर द ईयर 2024 फॉर द बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस इन द ग्रेजुएटिंग क्लास ऑफ द बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम इन हिज डिसिप्लिन। हाउएवर द कैंडिडेट इज नॉट प्रेजेंट हियर टुडे। सर, आई प्रेजेंट निकिता चंद्रा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, who have been declared winner of the proficiency medal for the year 2024 for the best academic performance in the graduating class of the Master of Science program in her discipline. Sir, I present the candidates who have been declared winner of the best PhD thesis award for the year 2024 in their respective departments. Pandi Kannan K from the Department of Biological Sciences. Sir, Pooja Yadav from the Department of Biological Sciences, Akub Javed from the Department of Earth and Environmental Sciences, Jathar Shubham Ramakrishnan from the Department of Mathematics, Kaustubh Mukherjee from the Department of Physics have been declared winners of the Best PhD Thesis Award for the year 2024 in their respective departments. However, the candidates are not present here today. Thank you, sir. Thank you, madam.